एक्चुअली इन्होंने जो टी शर्ट है बना के डाल रखी है ना, वो सैंपल डाल रखे हैं टी शर्ट में, आपको ऐसे फैब्रिक चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट फैब्रिक उठाओ और डायरेक्ट माल बनाओ। जो कपड़े का बिजनेस करना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। मैं भी कपड़े का बिजनेस करता हूँ और अगर आप भी करते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। ब्रांड का कितना होगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इतना ही फर्क होता है, बट फैब्रिक यदि अलग है तो अलग है। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रकृति मैदान में। यहाँ पे वन ऑफ दी एशिया बिगेस्ट एग्जीबिशन लगी हुई है कपड़ों की। यहाँ कच्चे कपड़ों की लगी हुई है, रेडीमेड कपड़ों की नहीं है। और मैं आपको अभी ऊपर चल के दिखाऊंगा, यहाँ से अलग अलग कंट्रीज से सप्लायर आए हुए हैं, अलग अलग कंट्री से बायर आए हुए हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर अपने कपड़े सिलवाने हैं आपको तो यहाँ से फैब्रिक आप ले सकते हैं। अलग अलग टाइप के फैब्रिक मिलेंगे, यार्न्स मिलेंगे आपको, अपरेल फैब्रिक मिलेगा, यहाँ पर आपको डेनिम में मिलेगा, एक्सेसरीज का आपको चाहिए वो भी मिलेगा। ऊपर चलते हैं और देखते हैं, चाइना से लोग आए हुए हैं, यहाँ से बांग्लादेश से आए हुए हैं, यूएसए से आए हुए हैं, हांगकॉन्ग से आए हुए हैं, नेपाल से, हर कंट्री से आए हुए हैं। जो भी बड़े बड़े सप्लायर हैं या फिर बायर हैं यहाँ पे सब मिलेंगे। तो ऊपर चलते हैं प्रकृति मैदान में और चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं एंट्री अंदर, और एंट्री फ्री है, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सीधे एग्जीबिशन के लिए। फॉर्म फिलिंग काउंटर यहाँ से हमें पास मिलेगा, पास लेके फिर हम जाएंगे अंदर। है पास नहीं, पास निकलवाना पड़ेगा हमें यहाँ से, और हॉस्टल बायर पास निकलेंगे सारे। ये हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो भी एग्जीबिशन लगी होती है उनकी साइड पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अलग अलग साइडों से भी होता है। रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ से पास लेंगे, मेन एंट्रेंस पे से यहाँ से पास मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं। और ऊपर जाके आप देखेंगे कितनी एग्जीबिशन लगे, कितने स्टॉल लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ से सप्लायर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से बायर आए हुए हैं। जो कपड़े का बिजनेस करना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। मैं भी कपड़े का बिजनेस करता हूँ और अगर आप भी करते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और लीजिए नॉलेज किस तरीके से आप डायरेक्ट मिल से, डायरेक्ट मैनुफैक्चर से, डायरेक्ट सप्लायर से कपड़ा ले सकते हैं। एक्सिस का आ गया वाला? नहीं, एक्सिस का नहीं आया। और पास आ गए, ये हमारे आज़ाद भाई का पास है, देखो नाम लिखा है इसके ऊपर, ये हमारा पास आ गया यहाँ शोएब मलिक का। थैंक यू सर। दोस्तों पास ले लिया है, इसे डालना है गले में और जाना है ऊपर। दरअसल मैं खाना भी नहीं खाया है, खाना वाना खाएंगे जाके थोड़ा सा, लेकिन पहले हल्की सी एग्जीबिशन से देख लेते हैं। This is us. This is Vishal. Thank you. तो दोस्तों हमने कर लिया है विजिट। अच्छा, मुझे जो लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कपड़े की वो है, कपड़ों का यहाँ पे है, लेकिन कपड़ों का ही है यहाँ पे। दरअसल इन्होंने जो टी शर्ट बना के डाल रखी है ना, वो सैंपल डाल रखे हैं टी शर्ट में, आपको ऐसे फैब्रिक चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट फैब्रिक उठाओ और डायरेक्ट माल बनाओ अपना, ये रहे। और ये सैंपल्स आ जाएंगे आपके लोग, तो इस पे हम नेम एंड सीरियल नंबर दोनों करके लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, हम यहाँ एक साइड नेम लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिटर्न। तो आप यहाँ बांध दीजिए ब्लेजर के साथ या मेन लेवल पे बांध दीजिए, यहाँ बांध दिए ना बटन के साथ, ये अगर वो पहनेगा तो ये टूट तो सकता नहीं है, अगर सॉरी मतलब ऐसे खुल तो सकता नहीं, खोलेगा तो तोड़ के फेंकेगा, तो पहन लिया तो यूज हो गया, उसका रिटर्न होगा नहीं। अगर ये नहीं लग के आएगा वापस तो मतलब इसमें तो यूज़ हो गया, रिटर्न नहीं है। अच्छा, तो आने के बाद ही रिफंड करते हैं, वैसे उससे पहले तो रिफंड नहीं करते। तो इसमें अगर आपको छोटा पैकेट है, छोटा बॉक्स है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके की सील ले सकते हैं, इसमें आपका पैकेट जो सिक्योर हो जाएगा। सर आप इसकी कॉस्टिंग वगैरह बताइए। सर इसमें हमारा MOQ वैसे 5,000 पीस होता है, बट आपको 2,000-3,000 पीस चाहिए तो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये 3.5 रुपये पर पीस है, 5,000 पीस तक के लिए, 2 से 5,000 पीस के लिए। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाती है? सर ये 285 है, 11 इंची है मैक्सिमम। ये सर ये सफिशिएंट है, मतलब गारमेंट्स के लिए 11 इंची बहुत बड़ा होता है, लोग गारमेंट्स के लिए 8 इंची भी लेते हैं। 8 इंच। अच्छा, कोई पैकेज के लिए होगा, पैकेज के लिए कोई, जैसे हमारा पार्सल जाता है पूरा, अब बॉक्स वो खुले ना इन ट्रांजिट में, जो कुरियर वाला है उनमें क्या करते हैं लोग, जो हब में होते हैं फ्रॉड करते हैं वो लोग, तो उसके लिए कुछ होगा। कितना बड़ा चाहिए हमारे पास बॉक्स होगा, मैं आपको बताऊँगा तो इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा 22 इंची बाई 12 इंची। नहीं सर, 22 इंची तो बहुत बड़ा होता है, मेरे पास होता है सर बड़े से बड़ा, ये है 16 इंची। और हम बड़ा ऑर्डर देखें, बनवाएं ऑर्डर का सर, ये मोल्ड बहुत कॉस्टली है सर, 6-7 लाख रुपए का मोल्ड है। अच्छा,
जैसे आपने बोला कि ब्लैक पे सिल्वर करके दो, सिल्वर और गोल्डन करके दो, तो हम दो कॉम्बिनेशन आपको बना के आपको भेजेंगे, आप जो अप्रूव करेंगे उसके बाद आप प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन में कितना टाइम लग जाएगा सर? डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, वो 10,000 पीस है तो हफ्ते से 10 दिन लगेंगे, बट ये कि इनिशियली 10,000 में हफ्ते से बहुत ज्यादा। देखिए मशीन्स इमीडिएट खाली नहीं है सर। अच्छा अच्छा। देखिए स्केड्यूल्स अवेलेबिलिटी के बहुत, और हमने जैसे आपको 10,000 पीस है एक साथ आप भी यूज नहीं करेंगे तो हमने 1,000-2,000 पीस बना के आपको भेज दिया, आपका काम स्टार्ट हो गया, फिर हम आपको बाद में भेज देंगे, क्योंकि आप इनिशियली सारा कंज्यूम एक साथ नहीं करेंगे, आप भी अपने लिए महीने दो महीने का स्टॉक बनवा रहे हैं सपोज, तो हम आपको 2,000-3,000 पीस की आपको फ्री कर देंगे, आप बिजी हो गए कि हाँ 2,000-3,000 पैकिंग स्टार्ट हो गई आपकी, फिर बीच में आपको लाइनअप है और भेज देंगे। और इसके अलावा जो भी डिजाइन वगैरह हम बनवाए फिर आप जो भी वो सब सर आप हमें डिजाइन कोई भी कस्टमाइज करके भेजिए, हम उसको आपकी कॉस्ट दे देंगे। अच्छा। सर ये इतनी डिजाइन है इसकी ये कॉस्ट आएगी, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी कॉस्ट चेंज हो जाती है, बिकॉज आपने कहा कि मुझे बिल्कुल डिफरेंट कलर चाहिए, आपकी 10,000 पीस में 2,500 पीस के चार कलर बना के दो, तो देन इट विल कॉस्ट यू, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी, 15-20 पैसे का प्रीमियम आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे अभी और घूम रहे हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे एरोसिस का आपको कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए, उनका फैब्रिक चाहिए, तो उनका यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड काम है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पर बटन वाले भी थे और टेक वाले भी थे, टेक तो खैर हम लोग भी बनाते हैं, और साथ में अगर आपको सील वगैरह चाहिए अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, आपको नीडल्स चाहिए, थ्रेड्स चाहिए, थ्रेड्स वाले साइड आपको, टी शर्ट्स की फैब्रिक उधर की साइड हो गई, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे वियतनाम का स्टोर लगा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ टी शर्ट्स है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, लुकेस्टर ये कुछ ब्रांड इन्होंने बनवा रखे सैंपल के लिए रखे हुए हैं, अगर आपको अंडरवेयर वगैरह चाहिए तो यहाँ पे देखिए अंडरवेयर अंडरगारमेंट्स भी हैं अवेलेबल, और ये आई थिंक वियतनाम से आए हुए ये लोग यहाँ पे फैब्रिक नहीं सिर्फ गारमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गारमेंट्स में आप देख सकते हैं अलग अलग क्वालिटी है, टी शर्ट से जैसे मैं आपको दिखाया, और यहाँ पर साथ में ये है अंडर गारमेंट्स से, या फिर आपको कोई कोई भी चीज़ चाहिए एकदम के लिए, ये पता नहीं क्या है जो भी है, मतलब फैब्रिक भी अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देखा हूँ कि जो ब्रांड्स हैं जो अच्छी अच्छी मिल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू अगर आप लोकल मार्केट जाते हैं दिल्ली में या फिर कहीं भी, और काफ़ी बेटर क्वालिटी है। ओके सर, थैंक यू सर। कैन यू सेंड अस द लिंक, द लिंक फॉर द वीडियो? वीडियो ऑनलाइन सर, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर। ऑल राइट, ओके, आई विल मेल। या या, ये हाईएस्ट पे तो नहीं है सर, है ना? और नॉर्मल है ये फैब्रिक में जो पीड में। ऑलराइट, अब चेक में लिमिटेड है, ये तो पूरा लगाया भी नहीं मैंने सैंपल। मैं समझ गया, उसमें देखो चेक से बढ़िया एकदम चलेगा आपको जैकेट जो हाँ। तो आपकी जितनी भी वैरायटी है सर्टिंग शूटिंग ये सब दिखेगा आपको सब। ऑलराइट ऑलराइट, क्योंकि वहाँ तक तो आते ही हो आप, कट वहाँ तक गुरुद्वारे तक, वहाँ से थोड़े से आगे आ जाओ पूरी मार्केट में घूमते हैं। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत ही क्या है, रेंज देखो दिक्कत ही क्या है, यदि ब्रांड के साथ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेट ब्रांड के साथ ही जाना है। हमारे एग्जीबिशन लगती है हमारी यहाँ, तो उसमें भी हम ब्लेजर्स वगैरह ही प्रोवाइड करवाते हैं रिटेल के, उस पर मास लेवल पे काफ़ी अच्छा हमारे इसमें। मैंने जितने भी टूट उठाया है सारा मैंने चांदनी चौक से उठाया है। हाँ, तो वो नॉन ब्रांडेड उठा है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड उठाया, नॉन ब्रांडेड 1200-1400 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि 100% वूल है, 100% वूल है ये जो प्रॉपर ट्वीट होता है, आप जो वहाँ पे देखते हो वो टीआर होता है, टीआर ट्वीट होता है, वो देखने में ट्वीट लग रहा है बट वो ट्वीट है नहीं। ब्रांड का कितना होगा, 5-10-20-50 रुपये इतना ही फर्क होता है, बट फैब्रिक यदि अलग है तो अलग है। ये आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। तो इसमें एवरेज प्राइस क्या रहता होगा आपका? ट्वीट की बात करो 750-800 उसमें मिल जाएगा। भूख लग रही है भाई, दोस्तों हमारे चाचा थोड़ा सा कमीशन ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। मैं ये बता रहे हैं डोमिनोज से अच्छा होगा,
डोमिनोज वाले नहीं है सर ये, लेकिन डोमिनोज से इतना ही होगा मिलता जुलता। चलो कोई नहीं, खाने का सब लगा। क्या क्या अवेलेबल है बताओगे एक बार? देखो जी, पानी से लेकर पिज्जा अवेलेबल है, सैंडविच है, पिज्जा है, खाना है, पैक लंच है, ठीक है, छोले कुलचे है, बर्गर है, चौमिन है। बर्गर किंग का बर्गर दो। तो भाई साहब पिज्जा देखते हैं, भाई साहब बहुत अगर बैठ कर खाओ ना, वहाँ पीछे चलो, पीछे मतलब उधर जो हमारे पीछे ले जाते हैं वो चाचा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? पानी बोतल भी। इन्होंने वादा किया है कि पिज्जा एसटीओ को डोमिनोस की तरह तो नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता होगा, ट्राई करते हैं किस तरीके का पिज्जा है। वो भी कौन सा? एक भाई साहब बैठे थे यहाँ पे, आजाद भाई कह रहे पिज्जा खोल लो, खड़ा नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है आजाद भाई? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है भाई। तो पिज्जा खाते हैं और आजाद भाई की पिज्जा खाने के बाद डगर बताता हूँ मैं कैसी होगी। वो हाउसफुल मूवी देखी होगी, उसमें वो खाना खा के जानवरों की तरफ खाते हैं, उसमें ऊपर गिरते हैं, हम डकल लेते हैं। जब हमने लगा था वो वाली बीच में वाली मीम लगी कि फिर ये वाला आएगा, ये वाला सीन। भाई सब मज़ा आ गया यहाँ पर, पिज्जा इतना अच्छा नहीं था। देखो आजाद भाई ने तो यहाँ पे ये छोड़ दिए किनारे किनारे दारे, मैं तो वो भी खा गया, मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी और कॉफ़ी वैसे नॉर्मल थी। हम यहाँ से जा रहे हैं और एक आध स्टॉल और देखेंगे, यहाँ से निकलने के बाद फिर पहुँचते हैं। तो दोस्तों पूरी हो गई एग्जीबिशन, आजाद भाई वाली एग्जीबिशन में भी गए लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। और हमारी कपड़ों की एग्जीबिशन में हमें बहुत सारी नॉलेज मिली कपड़ों की, वहाँ पे यार्न्स मिल रहे थे, अपेरल्स के फैब्रिक जो भी आपको चाहिए, जींस वगैरह में, डेनिम वगैरह में, या फिर वहाँ पे आपको एक्सेसरी चाहिए लाइक टैग, आपको लेबल टैग चाहिए, बटन वगैरह चाहिए, वहाँ पे आपको पाइपिंग वगैरह, जैसे हमारा ब्लेजर का काम है तो ब्लेजर में पाइपिंग चाहिए, एक्सेसरीज का फैब्रिक का जो भी आपको काम है वहाँ पर सारे मिल रहे थे। तो इस तरीके की एग्जीबिशन आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर आप एडवर्टाइज के थ्रू देखते होंगे, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। प्रगति मैन में यहाँ पर दिल्ली में हो रही थी और इनका रजिस्ट्रेशन अभी हमारी वाली का फ्री था, लेकिन बहुत सी जो होती है वो चार्जेबल होती है, तो आप स्टार्टिंग में फ्री वाली भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा ये होगा कि आप नए सप्लायर से मिलेंगे, नए नए लोग देखेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको प्राइस पता चलेगा मार्केट के। जैसे मैं अभी दिल्ली से लेता था, गांधीनगर से, चांदनी चौक से, गुजरात से भी लेता था मैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मुंबई, अलग अलग कंट्री के मिले, यहाँ के वियतनाम तक के मिले मुझे, वियतनाम कंट्री के मिले, बांग्लादेश के मुझे लोग मिले, वहाँ से मैंने उनसे टाइप कर लिया, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लिया, हमने एक दूसरे के विजिटिंग कार्ड ले लिए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर।